हेलो फ्रेंड, स्टॉक मार्केट ASP में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 4 अगस्त 2023। आज के लिए MCX मार्केट के लाइव अपडेट, जिसे गोल्ड और सिल्वर के लाइव प्राइस और आज गोल्ड और सिल्वर में क्या न्यूज़ है उसको चलते आज हमें गोल्ड और सिल्वर में एक्शन देखने को मिल सकती है। गोल्ड में आज कौन सा क्या ट्रेड करना होगा, सिल्वर में क्या ट्रेड करना है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे वो भी एक्सपर्ट्स की राय से क्या है वो। चलो दोस्तों सुनते हैं और समझ के लेते हैं। तो अभी हम चलते थे एक्सपर्ट्स की राय क्या है वो। सर क्या लग रहा है, 59,000 पे हम फंस कर रह गए हैं सोने में, चांदी लग रहा था कि अब थोड़ा सा चढ़ेगी, वो भी तेजी उसकी थम गई है। सर क्या हो रहा है, भारत की डिमांड आ नहीं रही है, तो अब यहाँ से कैसा प्राइस आउटलुक लग रहा है? देखिए डॉलर में बहुत जबरदस्त स्ट्रेंथ है और डॉलर के स्ट्रेंथ की वजह से ही इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस डाउन हुए हैं। लेकिन यदि आप भारतीय बाजारों को देखें तो अभी गोल्ड 59,400 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मतलब वो 60,000 रुपये के 59,000 और 60,000 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। तो भारतीय बाजारों में तो इतना कोई ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं है, 400-500 रुपये का भारतीय बाजारों में मूवमेंट होना एक स्वाभाविक है, ये तो एक इंट्राडे मूवमेंट भी होता है। इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर बढ़ने की वजह से रुपए पर लगातार दबाव बना हुआ है और यही कारण है कि भारतीय बाजारों में गोल्ड के दाम इतने कम नहीं हुए हैं जितने इंटरनेशनल बाजार में कम हुए हैं। मेरे ख्याल से ये $2,000 क्रॉस करने के पहले स्पॉट मार्केट में एक पुल बैक दे रहा है और ये पुल बैक ही की वजह से ही हम थोड़ा सा गोल्ड में प्रेशर देख रहे हैं। मुझे लगता है ये $1,913 तक ये प्रेशर बना रहेगा स्पॉट मार्केट में और उसके बाद वहां से एक लंबी तेजी की हमें उम्मीद करनी चाहिए। तो चांदी को भी लेके आप इतना ही ऑप्टिमिस्टिक हैं? जी बिल्कुल, अगर आप चांदी में भी देखें तो लगभग $25 के आसपास ट्रेड कर रही चांदी अभी $23.5 के आसपास इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट मार्केट में ट्रेड कर रही है। चांदी में भी भारतीय बाजारों में हमने 76,000 के पार प्राइसेस को जाते हुए देखा और अब वापस हम 73,000 के आसपास प्राइसेस देख रहे हैं। ये सिमिलर पैटर्न है, एक पुल बैक है क्योंकि चांदी अब $26 जब क्रॉस करेगी तो उसमें एक बड़ी तेजी की टेक्निकल चार्ट में एक बड़ी तेजी बनती है, उस तेजी के पहले एक कवर अप पोजीशन या लोगों के जो बाइंग पोजीशन को शॉर्ट कवरिंग करने के लिए इस प्रकार की स्ट्रेटजी कई स्पेक्युलेटर्स अपनाते हैं और वही हो रहा है मार्केट में। मेरे ख्याल से लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, मुझे बहुत ही गोल्ड और सिल्वर में बुलिशनेस नज़र आती है, सब्जेक्ट टू कि गोल्ड $1,913 का एक रेजिस्टेंस नीचे सपोर्ट लेवल है और चांदी के अंदर लगभग $22.70 का सपोर्ट लेवल। ऑलराइट, चलिए धन्यवाद मेहता सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि किस तरह का आउटलुक, किस तरह की पिक्चर यहाँ पर बुलियन में दिखाई दे रही है, जो कि स्ट्रेंथ की है। थोड़े हिकअप्स हैं, थोड़ी सी गिरावट आएगी, लेकिन वो आपके लिए एक एंट्री का, बाय ऑन डिप्स का मौका हो सकती है। हम लोग एक छोटे, तो दोस्तों ये थी आज की दिन के लिए गोल्ड और सिल्वर की राय। आपको अगर ट्रेडिंग करना हो, आपको अगर इन्वेस्ट करना हो तो आप अपने एनालिसिस कीजिए और अपने एक्सपर्ट से राय लीजिए। आज के लिए मेरा एक ही स्ट्रैटेजी हो गया सिल्वर और गोल्ड में, मैं अभी कुछ ट्रेड नहीं करूँगा, शाम के 6 बजे के आसपास ही मैं को अगर सिल्वर और गोल्ड में रेड शेड दिख रहा है तो मैं एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल करके चलूँगा और छोटा प्रॉफिट लेके एग्जिट कर दूंगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे कि मैं आपको शेयर मार्केट से जुड़े हर एक अपडेट आपके पास लाने में आपकी सहायता करूं। तो दोस्तों धन्यवाद, गुड बाय।